खुरेजी में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं सीएनआरसी एनपीआर का विरोध करने यहाँ भी महिलाएं अपने घरों से बाहर सड़कों पर बैठ गई हैं। खुरेजी खास का ये एरिया है जहाँ पर हजारों की तादाद में महिलाएं हैं और पुरुष भी शामिल हैं। पुलिस बल भी तैनात है, रास्ता वहाँ से बंद कर दिया गया है। अपने कैमरामैन को बोलूंगी जहाँ पे पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी है वो जगह दिखाए। ये रेड लाइट के पास का एरिया है जहाँ पर बैरिकेटिंग हो रखी है और यहाँ से जो महिलाएं हैं ये बैठना शुरू कर रही हैं और पीछे तक महिलाओं का जो हुजूम लगा हुआ है। सीएनआरसी एनपीआर का विरोध प्रदर्शन देश में तेजी से तूल पकड़ रहा है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे समय सामने आता जा रहा है, करीब आता जा रहा है एनपीआर के लागू होने का, एनपीआर के शुरू होने का, वैसे वैसे सीएएनआरसी एनपीआर पर लोगों का विरोध प्रदर्शन भी दर्ज किया जा रहा है। आज भी खुरेजी की महिलाएं सामने आकर सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए बैठी हुई हैं। महिलाओं में से बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और जो नौजवान हैं आप भारी संख्या में वो भी देख सकते हैं, चारों तरफ खड़े हुए हैं। सीएनआरसी एनपीआर का विरोध, सबके मुंह पर एक ही नारा है, सीएनआरसी एनपीआर का विरोध करना। सीएनआरसी एनपीआर का विरोध आप जगह जगह देखेंगे। सीएनआरसी एनपीआर का विरोध आज खुरेजी में है, शाहीनबाग में भी चल रहा है, जाफराबाद में भी चल रहा है, महिलाएं वहां भी सामने आ रही हैं। इस विरोध प्रदर्शन का एक जो मुख्य चेहरा आप बोल सकते हैं वो महिलाएं हैं। जो मुस्लिम महिलाएं अपने घर से बाहर नहीं निकलती, वो ही मुस्लिम महिलाएं आज सड़कों पर उतर रही हैं अपने हक के लिए। मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, मुस्लिम महिलाएं अपनी आवाजें उठा रही हैं। जो मुस्लिम महिलाओं को कहा जाता था कि ये घर में बैठती हैं, हिजाब में रहती हैं, नकाब में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं, वही मुस्लिम महिलाएं आज सड़कों पर अपना हक मांग रही है। इसमें आपको एक चीज और बता दूं, वहाँ से बैरिकेडिंग स्टार्ट है, अपने कैमरामैन को बोलूँगी वहाँ से जो रेड लाइट का एरिया है वो दिखाए, वहाँ से बैरिकेडिंग स्टार्ट है और बैरिकेडिंग वहाँ पीछे तक की गई है। यहाँ पे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के पीछे तक बैरिकेडिंग की गई है। जो बीच का जो बीच का रोड है वो थोड़ा जाम कर दिया गया है, लेकिन यहाँ से आपको लक्ष्मीनगर जाने के लिए या निर्माण विहार जाने के लिए या झील या फिर गीता कॉलोनी तक जाने के लिए और भी रास्ते खुले हुए हैं, आप घूम कर जा सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है, बंद कर दिया गया है विरोध प्रदर्शन के लिए। सीएनआरसी एनपीआर पर विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहा है, महिलाएं भी सामने आ रही हैं। आज महिलाओं से बात करेंगे, जो खुरेजी खास की महिलाएं विरोध प्रदर्शन पर बैठी है उनकी बात सुनेंगे, उनका पक्ष सुनेंगे। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं। जी, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ बैठी हैं, कितनी देर हो गई है? हम सुबह से बैठे हुए हैं, 9-10 बजे से। हाँ जी, आपको यहाँ पे परमिशन मिली है विरोध प्रदर्शन करने की पुलिस से कुछ? देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि खाली पब्लिक ही है, पुलिस भी आप देख सकती हैं, दोनों साइड पर पुलिस भी है और पब्लिक भी है, फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, सभी हैं, पुलिस भी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है पुलिस के साथ बदतमीज़ी हो रही है या पुलिस हमारे साथ बदतमीज़ी कर रही है, नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, सीएनआरसी एनपीआर पर विरोध प्रदर्शन जो देश में हो रहा है उसको देखकर क्या समझ रही है, क्यों लोग इसका प्रदर्शन कर रहे हैं आपके हिसाब से, आपका तर्क जानना चाहूँगी? देखिए, हमारा तर्क सिर्फ इतना है कि हमें हमारे ही घर से क्यों निकालने की बात की जा रही है। हमारे परदादा दादा, हमारी पुरखों, आप अगर हिस्ट्री उठा करके देखो, ये बात करते हैं मुसलमानों को बाहर निकाल के, मेनली यहाँ पर मुसलमानों की बात की जाती है, मुसलमानों के बाद दलितों की बात की जाती है मेनली। तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखते हैं तो ये लाल किला, पुराना किला, जामा मस्जिद किसका है, आपको खुद पता है कि ये मुसलमानों का बनाया हुआ है। बहुत कम हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिसमें कोई अदर रिलीजन का कोई पर्सन है मेनली, वरना सभी मोस्टली मुसलमानों का ही है। तो आप मुसलमानों से ही उनकी पहचान मांग रहे हो तो ये चीज़ गलत है। हमें हमारे ही घर से बाहर निकाल कर आप पूछ रहे हो कि आपकी पहचान क्या है, आप यहाँ रहते हो। असम में ये लोग बोलते हैं कि अपने प्रूफ्स दिखाइए, एक प्रूफ, दो प्रूफ, इनका तीन प्रूफ से भी पेट नहीं भरता, ये बोलते हैं हमें 15 प्रूफ दिखाइए। ये बात सही है, ये किस तरह की बात है हमें ये बताइए। अच्छा, आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने आई हैं, इस वक्त बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, परीक्षाएं चल रही हैं, किस तरीके से घर का काम छोड़कर सड़क पर बैठना मुश्किल हो रहा है आपके लिए? देखो बेटा,
यहाँ तो इतने बैठेंगे, इतने वो एनआरसी एनपीआर वो सब चीज़ नहीं वापस लेंगे, इतने चाहे वो भूखे रहो चाहे वो खाओ, इतने बैठ नहीं है यहाँ पे तो। अच्छा सरकार तो है पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है, जगह जगह शाहीन बाग बन रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रदर्शन कर बैठे हमारा तो बनता रहेगा, और अगर वो नहीं सुनेगी और बनेंगे। और अब हम रोड पर आ गए, अभी तो हम अंदर थे, अब हम रोड पर आ गए, अब हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। जैसे शाह बोल रहे हैं कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, आप ये सोच लें। और हमारा बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह, जब तक ये अपना सीएम वापसी नहीं लेंगे, जब तक ये वापसी नहीं लेंगे इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे लेने के लिए, मांगने के लिए। हमारा तर्क ये, नागरिकता नहीं दे रहे हैं हमें, क्यों नहीं देंगे नागरिकता में? हमारे दादा परदादा और उनके सरदादा सारे यहाँ पर रहे और बैठे यहाँ पर, उन्हीं के तो हम लोग हैं, हमें नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा, जिस तरीके से आप लोग आज सड़क पर आए हैं जी, खास में भी क्या लग रहा है, सरकार एक्शन में आएगी कुछ? आना चाहिए उनको, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। उन्हें पता नहीं है कि औरतें सड़कों पे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां सड़कों पे पड़ी हैं, ये नहीं पता चल रहा है उन्हें देखना चाहिए कि बेटियां सड़कों पे पड़ी, बेटियों का एग्जाम है, बेटियां सड़कों पे पड़ी हैं अपनी नागरिकता के लिए। शाहीन बाग में भी महिलाएं धरने पर बैठी हैं, बिल्कुल बैठी हैं। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है, लेकिन सरकार के वहां सर कोई असर नहीं हो रहा है, उनका कान पर जू नहीं रेंग रही है, वो तो ट्रंप को बुला रहे हैं, सोने की थालियों में खाना परोसवा रहे हैं उनके लिए। उन्हें ये नहीं पता कि मुस्लिम लेडीज सड़कों पर पड़ी है, इन्हें भी खाना भेजे सोने की थालियों में। इतना टाइम हम लोग को यहाँ पर बैठे हुए हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, और अभी तक कोई सुनने के लिए आते ही नहीं है। और हम लोग अपना घर, अपने बच्चे, एग्जाम चल रहे हैं, हम सब कुछ छोड़ कर यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। वो लोग किसी को तो भेजें देखने के लिए कि भाई क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं है, उन लोगों को कोई असर ही नहीं होता है। अच्छा, कितना मुश्किल हो रहा है कि आप घरों का काम छोड़कर अब बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, उनको भी प्रिपरेशन करा। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे एक 9th 8th में मेरी बेटी है, 4th में मेरा बेटा है, मैं कैसे छोड़ करके उनको आई हूँ, स्टडी कर रहे हैं, संडे का दिन है, और मैं सब कुछ छोड़ कर खाना पीना सब यहाँ पर बैठी हूँ। सरकार को समझ ही नहीं आ रहा, हम इतने दिन से बोल रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं, और शाहीन बाग में ये सब चल रहा है। सारी औरतों के घर में कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, सब कुछ छोड़ कर यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं कि शायद हमारी बातें मान ली जाएँ। अब कल ट्रंप जी आ रहे हैं, शायद हम तो दुआ करते हैं जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें ना लागू हों और हम लोग भी अपने घरों में सुकून से रहें और सभी को सुकून हो जाएगा। जो एनपीआर जो है अप्रैल में शुरू होने वाला है, उस पर क्या बोलेंगे, क्योंकि सरकार पीछे नहीं हट रही है, ऊपर से इतने विरोध नहीं, तो हम लोग बराबर ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम लोग अपनी बात मनवा कर ही पीछे हटेंगे, वरना हम जब तक नहीं मानेंगे गवर्नमेंट हम यहीं बैठे रहेंगे। क्या मैसेज देना चाहती है सरकार? हम यही मैसेज देना चाहते हैं, कभी अभी तक जितने भी इतिहास है लेडीज़ कभी, वो भी खास तौर से मुस्लिम, कभी बाहर निकलते नहीं, हम लोग बहुत पर्दे में रहते, मैं भी आज बैठी हुई पर्दे के साथ बैठी हुई हूँ, और हम लोग अपने घरों में बड़े सुकून से रहना पसंद करते हैं। आज हम लोग सड़कों पर उतर कर आ गए हैं, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी ये चीज़ समझी जाए कि मुस्लिम औरतें बाहर निकल कर आ रही हैं, जो कि मोस्टली नहीं निकलती हैं, तो गवर्नमेंट को माननी चाहिए हमारी बात। और मैं यही कहना चाहूँगी मोदी जी से, प्लीज़ हम सब लोगों की मेहनत इसे कामयाब करें और NRC CA NPR वापस लें प्लीज़। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं NRC CA IPA ये सब हटा दो, ख़त्म कर दो, ऐसा हमें मंत्री ना चाहिए, ऐसा राजा ना चाहिए, प्रजा को परेशान करें। मोदी ने अमीषा ने और योगी ना तीनों एक हो रहे, मोदी ने ये बोला है कि NRC पर तो किसी ने चर्चा ही नहीं, और ये क्या क्रोनोलॉजी समझाते हैं, तो फिर ये पब्लिक क्यों बैठी है, जब ऐसा नहीं हुआ तो क्यों बैठी है ये इतनी सारी पब्लिक रोड़ों पर, पर्दे में बैठने वाली औरत ऐसा रोड़ों पर बैठी है और ये अपनी मांग पूरी करवा रही है, काला धन वापस लो, ये काला कानून वापस लो, ये काला कानून वापस लो, तो क्यों नहीं ले रहे वो, जब 70 दिन हो गए, 2 महीने से भी और 15 दिन ऊपर हो गए, औरतें जगह जगह बैठी हैं, चांदबाग मुस्ताबाद सब जगह बैठी हैं, किसी की मान ही नहीं रहे। अच्छा, पहले तो मोदी सरकार ने कहा था 3 तलाक पे कि ये मेरी बहन, हाँ चलो हम जब भी चुप रहे, आप जब भी चुप रहे 3 तलाकों पे, हाल है जब भी आवाज़ नहीं करी इन्होंने, जो जो काम करे हमने चुप ही रहे, अब तो हमारी जब सिर पर बात आ गई तो बोलना पड़ेगा, रोड पर आना पड़ेगा, क्यों नहीं कर रही है, ये काला कानून वापस लो। ये क्या कहते हैं, जो औरतें कह रही हैं हमारी मांग पूरी करो NRC IPA ये वापस करो, ये है हमारा कहना, इसी वजह से हम यहाँ बैठे हैं रोड़ों पे,
जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही अड़े रहेंगे, चाहे 4 साल हो जाए या 2 महीने हो जाए 3 महीने। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पेपर हो रहे हैं हमारी लड़की के 12वीं के, बीए के, और यहाँ आ रही है लड़की हमारी बराबर, पेपर भी भूल गई, पेपर भी नहीं दे रही। 1 साल की मेहनत है, 1 साल तक लड़की ने मेहनत करी और पेपरों में फेल होगी तो क्या कौन कसूरवार है? हमने आज तक ऐसी झूठी सरकार न देखी जैसी आ जाइए। उनकी कितनी तैयारियां चल रही, ट्रंप आने वाले कितनी तैयारी, 150 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है और कितनी तैयारियां, यहां पर हम लोग यहां पर मर रहे हैं, अभी सुबह नाश्ता करके चाय पीकर यहां पर बैठे हुए हैं और भूख से पेट में कुछ कुछ हो रहा है, सब घर में खाना वाना कुछ नहीं बना है और कहते बिरयानी आ रही है, बिरयानी आ रही है, कहाँ से आ रही है ये हमें लोग सब करते हैं और खर्च कहाँ से आ रहा है? कोई पार्टी थोड़ी ना करे, कोई पार्टी बाजी नहीं है, सब कुछ हो गया है। क्या हमारी आवाज़ अपनी बहनों की, अपनी बेटी की आवाज़ वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखिए 3 तलाक हुई, हम कुछ नहीं बोले, क्यों? क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट थे, हमने कहा उन्होंने हमारे लिए जो करा सही करा होगा। कश्मीर का मतलब हम चुप रहे कि नहीं, वो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने हमारे लिए सही करा होगा। नोटबंदी का वो हम खामोश रहे कि नहीं, उन्होंने सही करा होगा हमारे लिए। कश्मीर का मसला रहा, हमने यही सोचा कि नहीं, हमारे प्रेसिडेंट है, वो उन्होंने। मगर अब जो NPR है और NRC है और CAA है, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं कि NPR है, कि हमारा देश है, हमारा हिंदुस्तान है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादा सब हैं। तो बताइए पहले बुजुर्गों की कहाँ तारीख पैदाइश की सर्टिफिकेट होता था, जो उसमें ये आ रहा है कि सर्टिफिकेट दिखाइए, तारीख पैदाइश का ये दिखाइए। हम तो उसके लिए बैठे और सब बैठे हुए, ये नहीं सिर्फ मुसलमान, नहीं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं और हम भारतवासी हैं सबसे पहले। हम मुसलमान नहीं हैं, हम सबसे पहले भारतवासी हैं और हमें अपने मोदी जी से यही शिकायत है, वो क्यों नहीं आ रहे, अपनी माँ बहनों की बात क्यों नहीं सुन रहे? नहीं तो ये तो देखिए अफवाहें उड़ रही हैं कि बिरयानी है या 500 रुपये दे के बैठाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि खुद अपनी रैलियाँ इसी ज़्यादा भरते ना, 200 रुपये दे के, कि पूरा रामलीला ग्राउंड भर दिया 200 रुपये दे के, तो हमें बदनाम करें। हम तो चाहते हैं ना हमें बिरयानी चाहिए, ना हमें 500, ना हम खाते, हम सब बहनें अपने घरों से बना बना के लाते हैं, आप चाहे किससे ही पूछ लीजिए, हम अपने अपने घर से खाना बना के लाते हैं, ठीक है? जब सरकार को हमारे इन प्रदर्शनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये सरकार क्या इस लायक है कि हम इसे अपना वो कहें, हम कहें कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर ऐसा होता है? आप खुद सोचिए, ये NPR करवा रहे हैं, आप खुद सोचिए, आप इस देश की नागरिक है, आप अपने रात को अपने घर में जाती हैं और जब अपने घर में जाती हैं, आप दाखिल होती हैं, तो आपके पेरेंट्स कहते हैं पहले अपना आधार कार्ड दिखाओ तब मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा, तो आपको कैसा फील होगा? कैसा फील होगा आप बताइए, आपको अच्छा लगेगा? अगर आपके ही घर में आपसे पूछा जाए कि हम आपको तब आने देंगे, तब आप प्रूफ दिखाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? पहले मुझे ये NPR का एक फॉर्म मैं आपको दे रही हूँ और आप ये पहले फिल कीजिए, सारी डिटेल्स दीजिए, तब मैं एंट्री दूंगा आपको। क्या लग रहा है कि क्यों सरकार आकर बात नहीं कर रही है? सुप्रीम कोर्ट को सामने लाया जा रहा है, शाहीन बाग का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया, सरकार चाहे तो वो सॉल्व करवा सकती थी। मेन मुद्दे जो है ना, मेन मुद्दे बेरोजगारी जो देश में भरी हुई है, भ्रष्टाचार, उससे कुछ नहीं है ये सरकार, कुछ नहीं है, सिर्फ उससे जो युवा है ना उनका माइंड जो है डाइवर्ट करना चाह रही है, देश के युवा को बर्बाद करना चाह रही है। जिस देश का युवा बर्बाद हो जाता है ना, रीढ़ की हड्डी माना जाता है जो युवा होता है, रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी ना तो इंसान नहीं चल पाएगा, ये सरकार वही कर रही है। जब 3 तलाक का मामला आया था तब तो ये था कि ये मेरी बहनें, अब वही बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, तो अब वही बहनें 500-500 रुपये में बिकने लगी, कल तक वही बहनों पर जुल्म हो रहा था और अब वही बहनें 500-500 रुपये में बिक के यहाँ बिरयानी खा रही हैं। 500 रुपये इतनी अहमियत रखते हैं आपको लगता है इतनी, जितनी औरतें यहाँ बैठी हैं? 500 रुपये अगर कोई परेशानी आती है ना, हम यूँ ही निकाल के दे देंगे 500 रुपये, कोई अहमियत नहीं है। और ये इसमें से 95% मैं आपको बता रही हूँ, 95% वो फीमेल्स हैं जो अपने घर से निकलती नहीं हैं। अगर कुछ सामान ख़त्म हो गया, वेट करेंगी कि हमारे घर में कोई मेल पर्सन आए तो हम जाएं और जाके साथ में लेकर आए, या वो हमें ला के नहीं ला के देंगे तो वो बैठी रहेंगी। तो आप खुद सोचिए वो कितनी मजबूर रही होंगी, कितनी मजबूर होकर वो यहाँ सड़कों पर उतरी हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा दीजिए कि मोदी सरकार ने या इस देश की सरकार ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मजबूर होकर हम यहाँ आए, अपनी खुशी से कोई नहीं आया। हम क्यों आएंगे अपनी खुशी से? हम बहुत प्यार करते हैं इस मुल्क से और उसका एक गवाही ये है कि हम 47 में यहाँ से नहीं गए, ऑप्शन थी हमारे पास, ऑप्शन थी, जो दूसरी वो थे कम्युनिटीज़, उनके पास ऑप्शन नहीं थी, उनको था कि आपको यहाँ रहना है, बट वी हैव ऑप्शन कि हम जा सकते थे वहाँ, लेकिन हम नहीं गए, हमने इस मुल्क को ही चुना। तो तब इससे तो हमारी साबित होती है ना कि हम देशभक्त हैं, और हम देशभक्त हैं। वहाँ के पाकिस्तानियों को जो हिंदू हैं उन्हें यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, क्या वो हिंदू हैं? वो पाकिस्तानी नहीं है? हमारे लिए वहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पाकिस्तानी है, लेकिन ये जो सरकार है इनके लिए नहीं है, इनके लिए वो पाकिस्तानी नहीं है, इनके लिए वो मुस्लिम जो है वो पाकिस्तानी है और हिंदू पाकिस्तानी नहीं है। ये गलत कर रहे हैं, बहुत गलत, कुछ नहीं होगा, ये देश बर्बाद होगा,
ये देश बर्बादी की ओर जा रहा है। वैसे भी प्रगतिशील तो है नहीं, प्रगतिशील हो रहा था लेकिन अब तो ये बहुत, जीडीपी बिल्कुल गिर गई, बिल्कुल ख़त्म, नौकरियां नहीं हैं, बलात्कार के ऊपर कोई कानून नहीं पास कर रहे हैं। वहाँ बेंगलोर में जो वहाँ पे जो हुआ लड़की के साथ, उसको गोली करके वो एनकाउंटर करवा के एक क्रेडिट ले लिया कि देखो हमने कितना अच्छा करा। अगर तुम्हें अच्छा ही करना था तो तुम एक बिल पास करते ना, ताकि जितने और बलात्कारी फंसे हुए हैं वो उन सबके खिलाफ भी, उनको भी पता चलता कि क्या है। कर ही नहीं सकते, क्योंकि करते तो पूरी बीजेपी के जितने भी लोग हैं ना सब बाहर आ जाते, जितने जिनके ऊपर जितने भी मुकदमे चल रहे हैं वो सब बाहर आ जाते। ये अपनी एक होता है ना, अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे कुछ तो करना है, ये सरकार वो कर रही है बस। हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी तो नहीं है ना पीएम से, हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, हमारे लिए वो हमारे पीएम है और हम रिस्पेक्टफुल हैं, हमारे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन ऐसे कुछ करें तो सही जिसके लिए हमारे पास रिस्पेक्ट हो, वो हमें ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अगर करेंगे तो हम करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि पहले इतने पीएम बने उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। गिव एंड टेक होता है हर जगह, गिव एंड टेक का ही रिलेशन होता है। अगर आप दोगे तो जैसा आप दोगे आपको वैसा ही मिलेगा, जो वो हमें दे रहे हैं वो रिटर्न में दे रहे हैं उन्हें, तो क्यों बुरा लग रहा है उन्हें। वो एक जगह कहते हैं बटन दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे, गोली मारो गद्दारों को, वो ये कह रहे हैं। तो लेकिन फिर भी ये देखिए कितना पेशेंस है, कितना पेशेंस है आज के युवा में, कि गोली खा के भी आराम से बैठे हैं। वहाँ जामिया में स्टूडेंट को गोली लगी लेकिन बदले में कुछ नहीं हुआ, वो फिर भी आराम से सुकून से बैठे रहे। अब और इससे ज़्यादा सब्र का इम्तिहान क्या लिया जाएगा, नहीं ले सकते, और बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो सुना आपने महिलाओं ने जो कहा, सीएनआरसी एनपीआर के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार उन्हीं के खिलाफ खड़ी होकर एक धरना प्रदर्शन कर रही है। ये एक इतिहास में पहली बार देखने को मिलेगा कि जो मौजूदा सरकार है वो सीएनआरसी एनपीआर या फिर किसी भी कानून के खिलाफ अगर लोग सड़कों पर करते हैं तो उन्हीं के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन और करती है उन्हें हटाने के लिए। शाहीन बाग में जिस तरीके से हुआ, आज खुरेजी में है, कई जगह देश में शाहीन बाग बन रहे हैं, तब भी सरकार की आंख नहीं खुल रही है। जैसे जैसे एनपीआर का समय करीब आता जा रहा है लागू होने का, शुरू होने का, वैसे वैसे सीएनआरसी एनपीआर का विरोध प्रदर्शन भी तूल पकड़ रहा है। कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मैं मुनमुन न्यूज़ मैक्स के लिए खुरेजी।